मकराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मेरा जो गुड मॉर्निंग है इसी मंत्र से का शुरू होता है। सबसे पहले उठने और फेस वॉश करने के बाद मैं चली जाती हूँ बाहर घर से अपने गैलरी में, और सबसे पहले अपने सूर्य भगवान को मैं प्रणाम कर लेती हूँ ताकि सारा दिन मुझे एनर्जी मिलता रहे। जैसे सूर्य भगवान एनर्जेटिक होकर सारा दिन काम करते हैं, वैसे मैं भी करती रहूँ। इसके बाद मेरा दूसरा काम जो होता है वो झाड़ू लगाना। वैसे तो मेरे घर मेड आती है बट वो लेट आती है, और बड़े बूढ़ों का कहना रहता है कि भाई घर में जो घर की लक्ष्मी होती है उसको झाड़ू लगा लेना चाहिए किसी भी घर के सदस्य को बाहर निकलने से पहले। तो मेरा बेटा सुबह ही स्कूल चला जाता है छोटा वाला, इसलिए मैं सबसे पहले उठने के बाद सूर्य नमस्कार के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही कुछ दूसरा काम मैं करती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ, देख रहे हैं, और मेरी जो सुबह है वो बिल्कुल चाय के साथ ही शुरुआत होती है। जैसे इंडिया में 90% इंडियंस के जैसे शुरुआत होती है, वैसे मेरा भी सबसे पहले तो भाई चाय पीना है सुबह सुबह। मैं सुबह सुबह गर्म पानी ले लेती हूँ, उसके बाद एक कप चाय पी लेती हूँ, तब अगले काम की ओर चली जाती हूँ। वैसे तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए थोड़ा सा जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा थोड़ा इजी है। और चाय जैसे मैंने एक कप बनाया है, और नाश्ता भी मैं हल्का ही बनाऊँगी क्योंकि छोटे बेटे को मैं बटा लेती हूँ, मेरे हिसाब से खा लेता है, और हस्बैंड भी नहीं है तो उनका भी ऑफिस का नाश्ता वगैरह नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा इजी है आज। लेकिन जब वो आ जाएंगे तो फिर मॉर्निंग रूटीन दूसरा हो जाएगा। एक गिलास में गर्म पानी ले लेती हूँ, और हाँ मुझे थायराइड भी है तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी के साथ थायराइड की एक टैबलेट ले लेती हूँ। मेरा पानी गर्म हो गया है, देख सकते हैं। आज मैंने खड़े खड़े टैबलेट खा लिया, वैसे मैं बैठ के खाती हूँ, आज थोड़ा शूट करना था इसलिए भूल गई। अदरवाइज़ ये मेरी हैबिट है, मैं बैठ करके यहाँ पे एक गिलास पानी पी लेती हूँ, दवाई के साथ खा लेती हूँ, तब मैं चाय लेती हूँ। और बड़े ही सुकून के साथ मैं चाय पीती हूँ। मुझे चाय सुबह की जो है वो बहुत बहुत मेरा फेवरेट टाइम है ये चाय पीना। अकेले हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले ही बड़े आराम से चाय पीती हूँ बहुत इंजॉय करके। और अब मैं अपने अकेले मैं हूँ तो फेवरेट प्लेस मैं अपने बालकनी में जा रही हूँ, जहाँ मैंने अपना छोटा सा गार्डन बनाया है। आराम से मैं अब चाय पीऊँगी, और सामने में एक अंकल हैं, वो सामने बैठ करके योगा करते रहते हैं। दुनिया ही तो सुधर हो जाए बट उनका योगा नहीं छूटता है, वो सामने से दिखते रहते हैं।
अब आराम से मैं चाय पीऊँगी। मैं चाय को एंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए मेरी चाय ख़त्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ वापस किचन की ओर, अपने सुबह के काम में अब लगूँगी। उसके पहले थोड़ा अखबार पढ़ लेती हूँ मैं चाय पीने के बाद, ये मेरी हैबिट है। दूध गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैं अपना सारेगामा में अपना भजन लगा लेती हूँ स्लो वॉइस में, और आराम से मैं तो बिना गाने के काम ही नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे या तो कोई गप करने वाला आदमी चाहिए, कोई भी चाहिए मुझे, एक जो मुझसे गप मारता रहे, नहीं तो फिर मेरा गाना चलता रहे। मैं बिल्कुल अकेले में काम नहीं कर पाती हूँ। मेरा गाना स्टार्ट हो गया, सुबह में तो मैं लगभग भजन ही बजाती हूँ। थोड़ा बहुत तो टेबल पे सामान बिखरा हुआ, उसे मैं ठीक कर ले रही हूँ। अब नाश्ते के लिए सुबह फ्रिज से सब्जी वगैरह निकाल ले रही हूँ। अभी रात जो बर्तन ज़रूरी हैं सुबह के लिए उसे मैं धो ली फटाफट से, और उसके बाद मैं अपना घर ठीक कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह पूरे घर की कर लेती हूँ जितना टाइम मिलता है उतने में। अभी देखिए मेरा छोटा वाला बेटा सोया हुआ है, इसीलिए उसे मैं उठा भी रही हूँ और छोटे मोटे काम भी कर ले रही हूँ। सब जगह जो घर है वो मैं अरेंज कर ले रही हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कर ले रही हूँ। मेरे पीछा कर रहा है मेरा बेटा, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं आ जा रहा है। थोड़ा सुबह सुबह उठने में परेशानी होती है, बट वो टाइम से उठ जाएगा, बिल्कुल स्कूल जाने के 40-45 मिनट्स पहले। यहाँ पर ये सोया हुआ था इसलिए मैं इसे ठीक नहीं कर पाई थी, अभी वो यहाँ से चला गया तो मैं ठीक कर ले रही हूँ इसे भी। और मेरा ड्राइंग रूम पूरा अरेंज हो जाएगा इसके बाद, और दो बेडरूम भी, बस एक बेडरूम बचा हुआ है जो मेरे दोनों बच्चों का स्टडी रूम है, उसको मैंने भी छोड़ा, बहुत ज़्यादा वो लोग बिखेर देता है उस रूम को, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ड्राइंग रूम देखिए मैं लगभग ठीक कर ली हूँ इसे, ये मैं ड्राइंग रूम का विंडो है इसे भी खोल लेती हूँ ताकि सुबह की ताज़ा हवा जो है वो घर में आराम से आ जाए। मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो मैं दरवाज़ा भी खोल लेती हूँ मेन गेट जो है मेरा, और खिड़की वगैरह मैं खोल देती हूँ, जितने मेरे बैलकनी है सबका गेट मैं खोल देती हूँ, और मेन डोर का भी मैं गेट खोल देती हूँ। ठीक है मेरा बेटा,
ब्रश वगैरह कर रहा है, इसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद सब कर लेता है ये। और मैं इस रूम को भी ठीक कर लेती हूँ, देख रहे हैं इस रूम की हालत। बेटा के लिए स्टार्ट हो गया मेरा नाश्ता बनाने का कार्यक्रम, और सबसे पहले मैं उसके लिए भिंडी का, उसका फेवरेट है भिंडी का भुजिया, मैं वो बना ले रही हूँ। वो नाश्ता में ज़्यादातर भिंडी का भुजिया और कचौड़ी, आलू पराठा, सैंडविच, पनीर तो वो नहीं ले जाता है, जो भी है वो आटा का ही ले जाता है, अलाउड नहीं है गोभी वगैरह बनाना उसके स्कूल में, तो वो तो नहीं ले जाता है। बट पराठा, पूड़ी, रोटी भी कभी कभी दे देती हूँ। फेवरेट उसका कचौरी और भिंडी का भुजिया है जो आज मैं बना रही हूँ। आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अभी तक पसंद आ रहा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, और जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं और वीडियो लाइक नहीं करता, थोड़ी सी डिप्रेशन हो जाती है, बहुत बिल्कुल मोटिवेट नहीं हो पाती हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया। बेटा का नाश्ता मेरा तैयार है, मैं उसे देने जा रही हूँ। आज हस्बैंड और बड़ा बेटा नहीं है तो मैं बहुत सारा काम रिलैक्स होकर कर रही हूँ, ऐसी इतनी रिलैक्स में रहती नहीं हूँ, बहुत सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है मुझे। आज कुछ ज़्यादा ही मैं रिलैक्स हूँ। नहा वहा के रेडी हो गया मेरा राजा बेटा। नाश्ता भी रेडी है, वाटर बॉटल, शॉर्ट ब्रेक का नाश्ता, बड़ा मेरी बैठ करके आराम से नाश्ता करता है। जा रहा है और मैं लिफ्ट से जा रही हूँ नीचे, वो लिफ्ट में नहीं जाना चाहता है क्योंकि एक दो बार वो लिफ्ट में फंस गया, तब से वो बहुत ज़्यादा बोलता है लिफ्ट में, कभी लिफ्ट यूज़ नहीं करता है। मैं जा रही हूँ लिफ्ट से नीचे छोड़ने। उसका स्कूल बिल्कुल पास में ही है, 1 किलोमीटर, इसलिए मैंने उसके लिए ऑटो कर दिया है क्योंकि इधर बस नहीं आती है। वो 3 से 4 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच जाता है। मेरा अपार्टमेंट है, मुस्किन आप लोग पार्किंग एरिया नीचे का। उसको छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मेरा भी वजन जो है कम से कम 7 से 8 kg ओवरवेट हूँ मैं। और जो बीच वाला रूम बच्चों का रूम है उसको मैं पहले ठीक कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ।
थोड़ा बहुत मैं अपना काम करके, बाल बाल ठीक करके मैं पूजा के लिए चली जाऊंगी। मैं बस रोज़ वाटर स्प्रे करके मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और लिप बाम लगा लेती हूँ, बस मेरा सुबह का यही है और कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं सूर्य को जल दे देती हूँ। उसके बाद मेरा छोटा सा जो गार्डन है उसमें से जितने फूल वगैरह हैं मैं उतना ले लेती हूँ, जितने ज़रूरत होती है उतना, जितने मेरी पूजा हो जाए। ये तीन गमले हैं पूजा के लिए, तुलसी, केला और शमी। ये पूजा समाप्त हो गई और जोरों की भूख लग चुकी है, इसलिए मैं फटाफट से अब नाश्ता करूँगी। मैं सुबह में जो है ओवर वेट हूँ, इसलिए मैं पूड़ी वगैरह तो अवॉइड करती हूँ, तो मैं सुबह में फ्रूट ही ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत दूध ले लेती हूँ हनी के साथ। आज फ्रूट में बस केला और आम है, इसको मैं दोनों नहीं लूँगी, दोनों से वेट बढ़ता है। बस मैं अमरूद और भुट्टा और दूध ले लूँगी। आपको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का जो वीडियो है कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और अच्छा लगे तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आराम से टीवी देखती हूँ, ज़्यादातर न्यूज ही सुनूंगी, मैं न्यूज सुनते हुए नाश्ता कंप्लीट कर रही हूँ।